हेलो नमस्कार, मैं हूं सौरभ और कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एफटीआर 3.0 की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज गणितीय योग्यता का पांचवा पार्ट है। तो इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले क्रमचय संचय, प्रायिकता, क्षेत्रमिति 2D और क्षेत्रमिति 3D के सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ बने रहिए शुरू से आखिरी तक, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर नए सीखने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे आ चुका है, देखिए दिया हुआ है 11 PR बराबर दिया हुआ है 12 PR-1। तो आर का मान क्या है हमें निकालना है। देखिए ये आपके क्रमचय का फॉर्मूला होता है, संचय का और क्रमचय का, कि NPR बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखिए इस सवाल में दिया हुआ है कि 11 PR मतलब 11 PR बराबर कितना दिया हुआ है 12 PR-1, यह हमें दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि R का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि NPR मतलब N factorial divided by N minus R factorial होता है, तो इसको अगर हम expand करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 11 factorial और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 11 minus R का factorial, ठीक है। अब यहां से हमें आएगा 12 factorial और बटे में आ जाएगा 12 minus of R minus 1 का factorial। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं यहां पर, तो r माइनस एक की जगह r माइनस ऑफ माइनस एक हो जाएगा प्लस एक, जिसको कि हम अब इस एक को इस बारे में जोड़कर हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 13 - r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहां से हमको क्या करना है, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, आर का मान ये सारे हो सकते हैं, तो ऑप्शन यूज करके हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम यहां से 16 लेंगे तो 16 तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कभी भी फैक्टोरियल किसी ऋणात्मक संख्या का नहीं हो सकता, तो इसलिए 16 नहीं लिया जा सकता। यदि हम 9 लेते हैं तो देखिए 9 लेने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल बटे 11 - 9 जो कि हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा 13 - 9 मतलब कि आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 12 फैक्टोरियल का मतलब होता है 12 × 11 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे फिर वही चलना है, तो यहां से 11 फैक्टोरियल आ गया और नीचे वाले इस टर्म को अगर हम खोलेंगे तो आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 जिसको हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल। तो 12 और 4 और 3 कट गया, 4 3 गुणा करोगे तो 12 ही आएगा। तो एक तरह से राइट हैंड साइड में भी 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आ रहा है, मतलब कि ये जो बी उत्तर है ए का, यानी कि एक का पहले वाले सवाल का बी उत्तर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन यूज कर रहे हैं और फैक्टोरियल वाले NPR का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करते हुए ये बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे आ चुका है, इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए विभिन्न अंकों से बने हुए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। देखिए ये अंकों वाला जो सवाल होता है उसमें अगर 3 अंक की संख्या बनानी है तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप यहां पर डैशेस बना लें और 3 डैश बनाएंगे, क्योंकि 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है। अब हमें ये जब सॉल्व करते हैं तो हम ये बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं, अगर इस पहली वाली अंक के बारे में यानी कि इकाई अंक के बारे में कोई भी यहां पर कंडीशन ना दिया हो, यदि इसके बारे में कोई शर्त हमें या कंडीशन दिया हो, जैसे कि ये केवल सम संख्या होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि ये पहली वाली संख्या जो होगी वो सम हो जाएगी, क्योंकि पूरे अंक को अगर सम बनाना है मतलब ये जो इकाई का अंक है वो सम होना चाहिए। हालांकि यहाँ कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे, यानी बाएं से दाएं इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है और वो भी विभिन्न अंकों को, यानी भिन्न भिन्न अंक होने चाहिए, आप रिपीट नहीं कर सकते। तो अंक हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, फिर आएगा आपके पास 6, 7, 8 और 9, यही अंक होते हैं हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले अंक को हम यहां पर भरते हैं, लेकिन इस अंक में आप 0 नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां अगर आप 0 लिखेंगे तो इसका कुछ मान नहीं होगा और फिर ये बन जाएगी 2 अंकों की संख्या, लेकिन हमें तो 3 अंक की संख्या बनानी है। मतलब पहले जो लेफ्ट वाले में जो डेटा होता है यहां पर आप 0 नहीं डाल सकते, तो 0 छोड़ के, अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बची कितनी संख्या, 9 संख्या बची, यानी यहां पर आपके पास 9 अंक है। कार्य अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आपको यहां भी कुछ अंक डालना है, तो आप गुणा करेंगे। अब यहां हर एक 9 डिजिट के साथ आपके पास कितने ऑप्शन है। अब 0 की बात तो खत्म हो गई, यहां पर हमने कोई एक अंक डाल दिया, जैसे कि हमने यहां पर 5 डाल दिया, अगर हमने 5 डाल दिया तो कुल अंक हमारे पास 10 थे, इस 10 में से एक अंक गया तो अब हमारे पास हाथ में 9 अंक बचे। अब इस दूसरे अंक को भी डाल दिया हमने, सपोज करते हैं यहां पर हमने 9 डाला होगा, अब आखिरी अंक के लिए, क्योंकि ये विभिन्न है अंक, रिपीट नहीं किया जा सकता, तो 10 में से 2 अंक गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक बचे, तो यहां पर 8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 × 9 × 8 मतलब 81 /
जो कि हो जाएगा 64 और यहां से 8 आएगा यानी 648। ठीक है, डी उत्तर है इस सवाल का, सेकंड वाले का। आशा करता हूं कि अंक वाला जो सवाल आया हुआ है क्रमचय संचय का, ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल आ चुका है, देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ है कैपिटल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि स्वर एक साथ हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर कैपिटल शब्द में ए आई ए जो है ये हमारे स्वर है, तो उसको छोड़ दिया जाए, तो ए आई ए हम अलग लिख लेते हैं, इसको छोड़ के हमारे पास बचा सी पी टी, सी पी टी और एल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है इसमें से हमारे जो स्वर को एक साथ होने चाहिए। तो एक छोटी सी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि n विभिन्न वस्तुओं को जब हम एक पंक्ति में जमाते हैं तो वहां पे क्रमशः की संख्या जो होती है वो n फैक्टोरियल होती है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो n विभिन्न अक्षरों की बात हो रही है, जैसे कि देखिए अगर हम इसको एक अक्षर मान लेते हैं, पहला वस्तु या अक्षर कह लीजिए, बात है कि ये दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, चौथा वस्तु, अब इसको अलग अलग नहीं ले सकते क्योंकि ये सारे इकट्ठा एक साथ आने चाहिए, तो इन सबको मिलाकर हम पांचवा वस्तु मान लेते हैं यानी पांचवा अक्षर मान लेते हैं। तो एन विभिन्न वस्तु बन गए और एन विभिन्न वस्तु को एक साथ जमाने का जो सूत्र है वो है n फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल गुणे। देखिए अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, ये a i a जहां पर भी जाकर बैठेंगे वहां पर ये तीनों आपस में भी तो जमेंगे, तो आपस में देखा जाए तो 1 2 और 3 है, तो इसके लिए हमको 3 फैक्टोरियल डालने पड़ेंगे क्योंकि 3 वस्तु है। हालांकि ये सारे अलग अलग नहीं थे, इसमें 2 समान भी थे, तो समान वाले को हम क्या करते हैं उतने से उसके फैक्टोरियल से विभाजित देते हैं। तो अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो कि होता है 120। तो देखिए आसानी से हम इसको 120 लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और 2 से कटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 120 × 3 यानी कितना हो गया, ये 360 हो गया। ठीक है, 360 इस सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो यहाँ पर चौथा सवाल आ चुका है, लॉगरिदम शब्द के 4 अक्षरों वाले भिन्न भिन्न कितने शब्द बना सकते हैं जबकि अक्षरों को दोहराया ना जा सके। तो हमारे पास अक्षर कुल कितने हैं, ये पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखा जाए तो हमारे पास 10 विभिन्न अलग अलग अक्षर है जिसमें से 4 अक्षरों को हमें लेना है और जमाना है। तो कहीं ना कहीं ये क्रमचय का फॉर्मूला बन गया कि n वस्तुओं में से अगर हम r वस्तुओं को निकाल कर उसे जमाते हैं तो उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो होता है npr, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो आसान सी बात हो गई कि हमारे पास 10 यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 में से 4 जमाना है, तो हम लिखेंगे 10p4, जिसमें कि हमने 10 वस्तु में से 4 को जमाना है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं n फैक्टोरियल का मतलब होता है n से लेकर 1 तक गुणा करना, मतलब 10 से स्टार्ट होते हुए 10 × 9 × 8 × 7। अब इसके आगे 6 से 1 तक जाना है तो उसको 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, और नीचे में भी 6 से 1 तक जाना है मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब 10 × 9 मतलब 90, 7 × 8 यानी 56, और ये 450 होता है, 50 से अगर होता तो 450 4500 आता, और यहाँ पर आपका 6 से 54 और आएगा, मतलब ये हो गया 5040। ठीक है, 5040 इसका उत्तर हो गया, सी ऑप्शन जो है चौथे वाले का उत्तर आ गया, 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपका 5वें नंबर का सवाल आ चुका है। अब देखिए इसमें दिया है 5 बच्चों को पंक्तियों में किस प्रकार जमा सकते हैं। तो ये छोटी सी बात तो हमें पता ही है कि n विभिन्न वस्तुओं को जब एक पंक्ति में जमाते हैं तो n फैक्टोरियल होता है। तो 5 बच्चे यानी 5 विभिन्न वस्तु, और 5 फैक्टोरियल का मान अभी अभी तो देखा था 120 होता है। ठीक है, सी जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ संचय के ऊपर कुछ सवाल है, 10c4 + 10c5 का मान क्या है। देखिए इसके लिए छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे ncr-1 + ncr जो होता है इसका मान हो जाता है n+1 cr, मतलब देखिए अगर हम यहां से देखते हैं तो ये हो गया आपका 10 cr-1, और देखिए n का काम 10 कर रहा है और r का काम 5 कर रहा है, यहाँ पर r है, यहाँ r-1 था जो कि 5 4 है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 10 से एक ज्यादा, n से एक ज्यादा था, तो 10 से एक ज्यादा 11। सी में आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे कि 4, आपको r लिखना है वहां पे, यानी आपको 5 ही लिखना है। अब हमें दूसरी बात ये पता है कि n cr का मतलब होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और गुणे में n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और गुणे में आ जाएगा 11 - 5 यानी 6 फैक्टोरियल।
तो 11 फैक्टोरियल का मतलब होता है 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। इसके आगे आपका 6 से लेकर 1 तक आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, और बटे में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा गुणे में यहां पर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। इस 5 फैक्टोरियल को खोल के लिखेंगे तो देखिए ये 6 फैक्टोरियल यहां पे लिख लेते हैं, ये कट चुका है। 5 फैक्टोरियल को खोल के लिखेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो ये 2 और 5 10 से कट जाएगा, 3 को काटोगे यहां पर ये 3 से कट जाएगा, 4 से इस 8 को काटोगे दो बार कट जाएगा। तो देखिए उत्तर क्या हो गया, यहां पर 11 गुणे यहां पर हो गया 6, 3 गुणे 2 6 गुणे 7 यानी 42, और 42 गुणे 11 का मतलब होता है 462। तो उत्तर क्या हो गया, ए ऑप्शन जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से हम देखने वाले प्रायिकता के ऊपर सवाल। एक बक्से में 8 लाल गेंद है, 7 नीले गेंद है और 6 हरी गेंद है। एक गेंद को यदृच्छ निकाला जाता है, तो इस स्थिति में क्या प्रायिकता है कि गेंद ना तो लाल हो ना तो हरी हो। तो देखिए हमारे पास कुल गेंद कितने हैं, हमारे पास 8 लाल गेंद है, 7 नीली गेंद है और 6 हरी गेंद है। 6 हरी गेंद है, हमको ये दिया गया ना तो लाल होनी चाहिए और ना तो हरी होनी चाहिए, मतलब नीली होनी चाहिए गेंद। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, माना किसी यदृच्छ प्रयोग में प्रतिदर्श समाष्टि जो वो है ns और घटना में ne संख्या के कुछ आउटपुट्स है, तब घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है ne बटे ns। ठीक है, तो हमारी घटना क्या है, घटना ये है कि हम एक वस्तु को निकाल रहे हैं लेकिन वो वस्तु ना तो लाल होनी चाहिए ना तो हरी होनी चाहिए। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमारा जो ns हो जाएगा, कुल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो है 8 7 और 6, जिसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 21 21 में से एक बॉल चूज करना है लेकिन वो लाल या फिर हरी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो घटना है, इस घटना में क्या हो रहा है, ना तो लाल होना चाहिए ना तो हरा, मतलब 7 नीली में से एक लेना। अब देखिए NC1 का मतलब होता क्या है, NC1 का मतलब होता है n फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल और गुणे में n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए आप एक छोटी सी बात तो जानते ही कि इस n फैक्टोरियल को हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं n गुणे n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो NC1 का मतलब होता क्या है, n ही तो होता है। तो आसान सी बात हो गई कि यहां पर ऊपर में 7 आ जाएगा, 7 गेंद में से 1 लेना था और नीचे 21 आ जाएगा, तो 7 से ये कटेगा 1 बटे 3 बार। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, बी उत्तर हो गया इसका। ठीक है, आशा करता हूं कि ये 7वां नंबर का सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पे आ चुका है, दो पासों को एक साथ एक बार में फेंका जाता है, कुल योग आने में 8 आने की प्रायिकता क्या, ये हमें निकालनी है। तो देखिए इस सवाल में हमें, अगर दो पासे हम इकट्ठा खोल फेंक रहे हैं तो पहले पासे और दूसरे पासे में, कहीं ना कहीं लूडो आपने खेला होगा, उसमें हमको देखा है हमने कि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक आती है, दूसरे पासे में भी 1 से लेकर 6 तक आती है। तो ये जो अंक जो है इनका योगफल क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 8 आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी प्रायिकता में जो ns हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी है तो हम जानते हैं कि कुल जो है 6 गुणे 6 होगा, क्योंकि पहले वाले पासे में भी 6 आपके आउटपुट है, दूसरे वाले में भी 6 है, यानी कुल हमारे यहाँ पर 36 पॉसिबिलिटी है, यानी कि ns जो है, यानी कि आपकी जो प्रतिदर्श समाष्टि है वो 36 है, क्योंकि पहले पासे में भी 6 अंक दूसरे पासे में भी 6 अंक होगा। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछ रहा था कि पूरे के पूरे क्या होंगे, हमसे पूछ रहा था 8 आने के बताइए कितने चांसेस है। तो 8 आने के यहाँ पर 5 अलग अलग केस होते हैं, इसको आप जोड़ोगे तो टोटल 36 आएगा, और वो 36 केस क्या क्या है यहाँ पर हमने बताया। अब ये 5 लाने अलग अलग 5 तरीके क्या क्या है, पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 2 आ जाए तो जोड़ोगे तो 8 आएगा, या पहले में 2 दूसरे में 6 आ जाए तो 6 प्लस 2 कितना होता है, या 2 प्लस 6 करेंगे 8 आएगा। अब 5 3 या 3 5 से भी तो 8 ही बन रहा है, और 4 प्लस 4 में भी 8 बन रहा है, मतलब हमारे जो टोटल घटना घटित होने के चांसेस है वो है 5 तरीके। तो यहाँ पर 5 बटे 36 हो जाएगा, यानी उत्तर आपका आ जाएगा 5/36, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन यहां पर इस टेबल को कैसे याद रखा जाए वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि 8 पूछे आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए 5 आने की क्या प्रायिकता है, आपसे पूछ लेगा 10 आने की क्या प्रायिकता है। इस टेबल को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए जब आपको 2 से लेकर 7 तक, सबसे पहली तो बात, सबसे छोटा अंक जो होता है वो 1 और 1 होता है,
यानी दोनों पासों में अगर एक एक आया मतलब सबसे छोटी अंक आ सकती है दो, और दोनों पासों में अगर छह और छह आया तो छह प्लस छह होता है बारह, मतलब जो अंकों का योगफल है वो सबसे न्यूनतम दो हो सकता है और सबसे अधिकतम बारह हो सकता है। अब दो से लेके सात तक ऐसे कितनी घटना हो सकती है उसको याद करने का अलग तरीका है, और आठ से लेकर बारह तक याद करने का एक दूसरा तरीका है। दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। दो से लेकर सात तक में आपको करना क्या है, इसमें आप माइनस का एक, माइनस एक करिए एक आ गया, तीन में से माइनस एक करिए दो आ जाएगा, चार में से माइनस एक करेंगे तीन आ जाएगा, और पांच में से माइनस एक करेंगे चार आ जाएंगे। इतने चार चार तरीके, जैसे चौथा चार तरीका क्या क्या थे, पांच लाने के, एक चार चार एक, दो तीन तीन दो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पांच बनाने का, ठीक है। तो दो से लेकर सात तक, सात में माइनस एक करोगे छह आ जाएगा, तो दो से लेकर सात तक अंक का योगफल आने का तरीका क्या है, उस अंक में माइनस एक करिए उतनी घटना हो सकती है। आठ से लेकर बारह के लिए क्या करना है, आप एक संख्या याद रखिए तेरह, तेरह में से आठ घटाएंगे तो आएगा पांच, तेरह में से नौ घटाएंगे तो आएगा चार, तेरह में से अगर हम दस घटाएंगे तो आ जाएगा तीन, और वहीं तेरह में से ग्यारह घटाएंगे तो आएगा दो, तेरह में से एक घटाइएगा तो आएगा क्या एक, और ये एक तरीका क्या है बारह लाने का, छह और छह, ठीक है। तो तेरह नंबर आप याद रखिए, उस संख्या को आप तेरह से घटाइए, जो वैल्यू आएगा वही आपका उतने नंबर ऑफ संख्या रहेंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल यहाँ पे आ चुका है, ताश की गड्डी में से दो ताश के पत्ते निकाले जाते हैं, दूसरे पत्ते निकालने से पहले पहले पत्ता जो निकला हुआ पत्ता था उसे वापस रख दिया जाता है, तो पहले पत्ता का ईट होना और दूसरे पत्ते का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, ये हमें बतानी। तो आइए इसको सॉल्व करने के पहले ताश के पत्तों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने ताश के पत्तों के बारे में हम देखते हैं, देखिए एक गड्डी में कुल बावन पत्ते होते हैं, ठीक है, बावन 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल होते हैं, ये दोनों लाल हैं, और 26 जो होते हैं काले होते हैं, ये दोनों काले हैं, ठीक है। और लाल पत्तों में हमारा ईंट का पत्ता 13 होता है और पान का पत्ता 13 होता है। इस तरह का जो आपका आकार है ये ईंट का पत्ता कहलाता है, इस तरह का जो आकार है वो आपका पान का पत्ता कहलाता है, ठीक है। और हुकुम यानी कि हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, इस आकार वाले पत्ते को हुकुम का पत्ता कहते हैं और इस आकार वाले पत्ते को हम चीड़ी का पत्ता कहते हैं। तो हर यानी कि टोटल चार सूट है, एट पान जो कि लाल के, हुकुम चीड़ी जो कि 13-13 होगा जो कि काले हैं। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आएगा। अब ये जो 13 पत्ते हैं वो 13 पत्ते हैं क्या, आपका सबसे पहला पत्ता होता है ए से स्टार्ट होगा, फिर आएगा दो, फिर तीन, फिर चार, फिर आएगा पांच और छह, फिर आएगा सात आठ नौ और दस, इसके बाद आता है जैक, फिर आता है क्वीन यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है। ये सारे आपके पत्ते होते हैं, तो 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, इस तरह से 52 पत्ते बन गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, तो 2 से लेकर 10 तक 9 संख्या वाले पत्ते होते हैं और हमारे पास चार सूट है, तो संख्या वाले कितने पत्ते हो गए, 36 संख्या वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। संख्या वाले पत्ते कितने हैं हमारे पास, 36 है। और इस ए और जे क्यू के को मिलाकर हम कहते हैं, ए जे के और क्यू को मिलाकर हम कहते हैं ऑनर कार्ड्स, ठीक है, ऑनर कार्ड्स, इसको इंग्लिश में याद रखिए। ऑनर कार्ड्स जो होता है ये चार होते हैं, चार सूट भी हमारे पास है, टोटल 16 कार्ड हो गए। और केवल इस जे के क्यू को, इसको हम कहते हैं भाई फेस कार्ड्स, और फेस कार्ड यहाँ पर भी तीन है जे क्यू के, यानी कि आपका गुलाम बेगम और बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, यानी चार सूट है और तीन हमारे फेस कार्ड हर एक में होते हैं, तो तीन गुणे चार करोगे तो 12 हमारे फेस कार्ड होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें पता होना चाहिए 52 पत्तों के बारे में, तब जाके हमारे जो ताश की गड्डियों से रिलेटेड सवाल आते हैं उसको आप बना पाएंगे। आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस सवाल में हमको ये करना था कि हम दो पत्ते निकाल रहे हैं, और पहला पत्ता जो है वो क्या है, वो ईंट का पत्ता होना चाहिए, और दूसरा पत्ता जो है वो बादशाह होना चाहिए। तो बात आप समझिए, हमें तो ये पता है कि प्रायिकता होती है कि घटना घटित होने के कितने चांस है और कुल कितने चांस है। तो प्रोबेबिलिटी कि पहला ईंट हो, दूसरा क्या है बादशाह, ठीक है, इसको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम तब पूरा होगा जब हम दोनों कार्य करेंगे। तो पहले तो ईंट के लिए हमारे पास 13 पत्तों में से एक निकालना होता है, या फिर 52 पत्तों में से एक निकालेंगे। अब देखिए पहला जो पत्ता आपने निकाला, उस पत्ते को आपने वापस गड्डी में मिला दिया, मतलब अभी भी हमारे पास 52 पत्ते हैं, ना कि 51 पत्ते। तो हमारे 52 पत्तों में से फिर से हमें एक निकालना है दूसरे वाले केस में।
अब बादशाह कितने होते हैं? बादशाह तो चार ही होते हैं, हर एक सूट के एक एक बादशाह होंगे, तो यहां से हमारा 4C1 होगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि NCR फैक्टोरियल होता है N फैक्टोरियल बटे NR फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल, जिसमें से NC1 का मतलब N ही होता है, ये हमने कैलकुलेट करके भी देखा था। तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख लीजिए 13/52 और गुणे में आ जाएगा 4/52, ठीक है। तो ये 52 जो होता है, 13 × 4 = 52 ही तो होता है, तो 1/52 जो है इसका उत्तर हो गया, 1/52 यानी सी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ताश की गड्डी से अगर कोई भी सवाल आए उसको आप जरूर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिक्कों पर आधारित ये सवाल हमने लिया हुआ है। देखिए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 सिक्के हैं जो एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक बार पट आने का यानी टेल आने का क्या प्रायिकता है? तो देखिए हमारे पास 6 सिक्के हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप जानते हैं सिक्कों में या तो चित आता है या पट आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, हेड या टेल आएगा, ठीक है, हेड या टेल आएगा, हेड या टेल आएगा। मतलब अगर हम NS की बात करें कि कुल कितने कितने हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, गुणे यहां पर दो, 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 यानी कि 2 को 6 बार गुणा करना, मतलब कि नंबर ऑफ जो हमारी प्रतिष्ठ समाष्टि है वो हो जाएगी 64, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, यानी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बटे में हमको 64 करना है। इसके बाद देखिए हमें ये पूछा जा रहा था कि कम से कम एक टेल आने का क्या प्रायिकता है? तो एक टेल आने का मतलब है या तो एक टेल आए, या तो दो टेल आए, या तो तीन टेल आए, या तो चार टेल आए, या तो पांच टेल आए, या तो 6 टेल आए। तो ये सारे आपको प्रायिकता निकालनी है और ये सब आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में या आ रहा है, जहां या आता है वहां पे हमें जोड़ना पड़ता है, जहां पे और आता है वहां पे गुणा करना पड़ता है। तो देखिए अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि या तो एक आए, या तो दो आए, या तो तीन आए, या तो चार, या तो पांच आए, कम से कम एक का मतलब यही तो हुआ। क्या इसके अलावा कोई सातवां केस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि एक भी टेल ना आए, एक भी टेल ना आए, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि कम से कम एक टेल आए। अब देखिए आसान क्या है हमारे लिए, तो देखिए हमारे पास आसान क्या है, एक भी टेल ना आना का प्रायिकता ज्यादा आसान है कि कम से कम एक टेल का? यहां पर तो हमें 6-6 प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, 6-6 प्रायिकता निकालना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप इसको निकालिए और मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। देखिए किसी भी घटना को घटित न होने की प्रायिकता को हम पी ई के ऊपर बार से निरूपित करते हैं, और पी ई के ऊपर निरूपित जो होता है इस जो जिस तरह से निरूपित किया हमने इसको, तो ई यानी कि इस घटना को न होने की प्रायिकता होता है 1 - कि ये घटना घटित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि टेल ना आए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, किसकी प्रायोरिटी निकाल रहे थे हम, कि कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक टेल का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी किसका निकाल लेंगे, प्रायिकता एक भी टेल ना आने का, एक भी टेल ना आने का। बात समझ में आई? अब देखिए हमें करना क्या है, 1 - कुल हमको पता है कि एनएस तो 64 है, 64 है। अब बताइए एक भी टेल नहीं आने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक ही तरीका हो सकता है कि पहले वाले में भी पट आए, दूसरे वाले चित आए, यानी कि इसमें भी हेड 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 आए। इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी यहां पर कोई तरीका नहीं है कि सारे के सारे टेल ना आए। तो एक ही मात्र तरीका है कि सारे के सारे हेड हो, तो 1 - 1/64 इसका उत्तर होगा, जो कि होगा 64 - 1/64। तो इसका उत्तर, इसका वैल्यू हो जाएगा 63/64। मतलब उत्तर क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जो 10वां नंबर का सवाल है आपको भरपूर मात्रा में अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो हमने लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे घटना का घटित ना होने की प्रायिकता ये होती है कि वो घटना 1 - आप घटना घटित होने की प्रायिकता को उसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे है, इस पे दिया हुआ है, एक बक्से में 36 टिकट है जिन पर 1 से लेकर 36 तक की संख्या लिखी हुई है, उनमें से एक टिकट यदृच्छया निकाला जाता है, तो निकाले जाने गए टिकट की संख्या या तो 3 से विभाज्य हो सकना या उसे पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो बात समझिए, यहाँ पर जब हम प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो प्रायिकता हमें क्या करना है, या तो 3 से विभाजित हो या फिर वह पूर्ण वर्ग हो, वह पूर्ण वर्ग हो,
तो हमारे पास अगर कुल संख्याओं की बात करें तो ये तो 36 ही है, क्योंकि 1 से लेकर 36 तक सभी संख्या है हमारे पास। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि 3 से विभाजित हो, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएंगी 36/3, मतलब कितने 12 अंक हो गए। तो 12 अंक तो है ही है, प्लस ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है, तो 1 का पूर्ण वर्ग 1 होता है, 2 का पूर्ण वर्ग होता है 4, 3 का पूर्ण वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का पूर्ण वर्ग 25 और 6 का पूर्ण वर्ग 36। इसके आगे जाएंगे तो 36 से बड़ा होगा, जो कि हमारे यहाँ पर एनएस में है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसमें से देखें तो इन 12 संख्याओं में ऐसी संख्या जो कि 3 से विभाजित है वो काउंटेड है, यानी गिना जा चुका है। तो इस 36 को दोबारा काउंट करेंगे तो गलती हो जाएगी। वैसे इस 9 को दोबारा काउंट करेंगे, वो तो पहले काउंटेड है। मतलब 1, 2, 3, 4 संख्याएं और है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16/36। 4 से ये काटोगे तो ऊपर 4 नीचे 9 आ जाएगा, 4/9 इसकी प्रायिकता है। बी ऑप्शन जो है इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, तो अभी तक हमने क्रमचय समचय और साथ में प्रायिकता के सवाल देखे, यहां से हम देखेंगे क्षेत्रमिति के सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो उस निम्न में से कौन सा उसका क्षेत्रफल होगा। तो अगर विकर्ण दिया हुआ है तो ए स्क्वायर बटे 2 करोगे उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि वर्ग के क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। कैसे, देखिए अगर एक वर्ग है, मान लेते हैं कि ये इसकी भुजा है, वर्ग की सारे भुजाएं बराबर होती है, ये यदि उसका विकर्ण है डी, तो डी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ये उसका विकर्ण का वैल्यू है। और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब a स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। हालांकि यहां पर d है और d को हम लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं d बटा रूट 2, मतलब d उसका विकर्ण है, तो इसके जगह डाल देंगे तो आ जाएगा d स्क्वायर बटे 2, तो ये उसका विकर्ण है। अब विकर्ण का मान दिया हुआ था a सेंटीमीटर, तो विकर्ण की जगह d की जगह a डाल देते हैं, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां पर आप उत्तर दे सकते हैं। 13वें नंबर का सवाल आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाला तीसरा वर्ग का परिमाप हमें निकालना है। देखिए आसान सी बात है, छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे परिमाप होता है 4 × भुजा और क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा का वर्ग। तो देखिए अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि एक छोटा यहां पर वर्ग है, एक बड़ा उससे वर्ग है, अब इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो एक और बड़ा सा वर्ग आ जाएगा। अब इस वर्ग का हमें परिमाप निकालना है। मान लेते हैं कि ये a है, ठीक है, ये a है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो a स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। अब क्या इसकी भुजा निकाली जा सकती है? इसका परिमाप दिया हुआ है 24 और उसका 32, तो परिमाप दिया हुआ है 24 और एक का 32 दिया हुआ है, तो यहां पर 4 × भुजा करने से आता है, मतलब भुजा तो इसका 4/ में हो जाएगा, मतलब इसका 6 होगा, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, मतलब भुजा 6 है, तभी तो 24 परिमाप बना। वैसे यहां पर इसकी भुजा 8 हो जाएगी। अब हमें पता है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर तीसरा वर्ग है, जो कि इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, इन दोनों के योगफल के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस यहां से आपको मिलेगा 8 का स्क्वायर, जो कि a के स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 36+64 और 36+64 होता है 100। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, जो कि आपके a के स्क्वायर के बराबर है, मतलब a बराबर 10 हो गया। यदि a बराबर 10 हो गया, मतलब ये भी 10+10+10+10 और 4 × 10 परिमाप होता है, मतलब उत्तर कितना हो गया? बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो गया इस 13 नंबर के सवाल का, ठीक। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को हम 50% तक कम कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? तो सबसे पहली बात तो हमें पता है क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इसको किसी प्रतिशत से कम कर रहे हैं तो हमें एक दूसरी बात ये पता है कि x प्रतिशत और y प्रतिशत के लगातार 2% परिवर्तन के बराबर कुल प्रतिशत परिवर्तन होता है x प्लस y प्लस xy बाय 100। अब देखिए इसको हमने 50% घटाया, मतलब -50% कम किया, इसको भी हमने 50% घटाया, मतलब माइनस, तो x और y का मान दिया, तो क्षेत्रफल में क्या होगा कुल परिवर्तन, यही हमें निकालना है। तो ये हो जाता है भाई गुणा में आपका -50 और प्लस में -50 × -50/100, ठीक है। -50 और -50 जोड़ोगे तो आ जाएगा -100 प्लस 0, 0 कट जाएगा यहाँ पे,
माइनस पचास गुने माइनस पचास होता है प्लस का पच्चीस, यानी प्लस का पच्चीस आ जाएगा और कुल यहाँ पे माइनस का पचहत्तर आ गया। माइनस का पचहत्तर का मतलब 75% घटना, घटना कितना प्रतिशत कम हो जाएगा पूछ रहा था, तो ये कम हो रहा है और कितने से कम हो रहा है 75% से। ठीक है, अब परसेंटेज वाले में मैंने आपको एक रेशियो अप्रोच भी बताया था, उससे भी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो हमको ये पता चल गई भुजा गुणा भुजा करनी है, और 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल जो है भाई वो भुजा गुणे भुजा होती है, भुजा गुणे भुजा होती है। ठीक है, तो अगर पहले भुजा दो थी तो अब एक हो गई, दूसरे वाले की दो थी तो अब एक हो गई, क्योंकि 50% का मतलब आधा होता है, तो पहले दो था तो उसका आधा हो गया, एक हो गया, मतलब कि क्षेत्रफल पहले चार था तो अब एक हो गया। अब यहां से हमें प्रतिशत कमी निकालना है, और प्रतिशत कमी वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रारंभिक मूल्य ये है और ये अंतिम मूल्य है। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि आपको प्रतिशत कमी कैसे निकालना है, प्रारंभिक माइनस तीन हो गया बटे चार गुने सौ, जो कि हो गया 75%। तो यहां से ए जो है ये 75% आ गया। आप चाहे रेशियो अप्रोच लगाइए, चाहे आप इस परसेंटेज वैल्यू को लगाइए, और फॉर्मूला जो रहेगा आपके क्षेत्रफल वाले वर्ग का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अब यहां से त्रिभुज के कुछ सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाती है, त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए तद अनुसार आधार कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है, होता है आधे गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और दूसरी बात हमें पता है कि अगर क्रमागत हम प्रतिशत बढ़ा रहे हैं तो वो होता है x प्लस y प्लस x y बाय 100। तो दिया क्या है, देखिए ऊंचाई हमने बढ़ा दी, कितने से बढ़ा दी, इसको हमने बढ़ा दी प्लस 10% से, और इसको मान लेते हैं कि x प्रतिशत का चेंज हो रहा है, तो यहां पर कुल परिवर्तन जो हुआ वो 0% का हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं है। तो 0 बराबर हो गया x प्लस y, y का मतलब 10 प्लस x इंटू 10 बटे 100, तो शून्य शून्य यहां पर कट जाएगा। इस 10 को इधर ले आएंगे, माइनस का 10 बन गया। अब x प्लस x बटा 10 आ गया, x प्लस x बटा 10 का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 11x/10। तो ये x बराबर आ जाएगा भाई, इस तरफ आ जाएगा माइनस का 100/11, और माइनस का 100/11 का मतलब होता है माइनस का 9, 99 से जाएगा 1/11। तो उत्तर इसका इतना प्रतिशत कम होना है, मतलब ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका प्रतिशत बदलाव है, x का, मतलब आधार का। देखिए एक तरीका ये है, दूसरा तरीका तो हमें पता है, वो भी लगा लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो है वो होता है हाफ गुणे आधार, ठीक है, गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, ये हमें पता है। तो अगर हम यहां से ऊंचाई को 10% बढ़ा रहे, मतलब देखिए आधार में कोई कितना बदलाव होगा ये हमें निकालना है। मान लेते हैं आधार को x फ्रैक्शन ले लेते हैं इसका, और यहां से हमारा 10% बढ़ रहा है, मतलब ये पहले अगर 100 था तो अब 110 हो गया, 10% बढ़ा दिया हमने उसको। क्षेत्रफल में क्या कोई बदलाव हुआ, नहीं हुआ, मतलब क्षेत्रफल पहले 100 था तो अभी भी 100 है, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं पहले 1 था तो अभी भी 1 है। तो अगर इस शून्य शून्य को काट देंगे तो x बराबर हो गया इधर आ जाएगा, तो 10/11 आ जाएगा, मतलब ये आपका प्रारंभिक मूल्य का काम कर रहा है, ये आपका अंतिम मूल्य का काम कर रहा है, और ये x किसके बारे में बता रहा है, आधार के बता रहे हैं। तो अगर हम प्रतिशत कमी की बात करें, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक माइनस अंतिम मतलब 1/ प्रारंभिक 11 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 9 1/11%, 9 1/11%, जो कि डी ऑप्शन है, ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं ये आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ चुका है, देखिए यहाँ क्या सॉल्व करना है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है सेंटीमीटर में व्यक्त तीन क्रमागत संख्याओं के बराबर होती है, ऐसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ऐसा जो त्रिभुज होता है वो एक ही पॉसिबल है, 3 4 5, और 3 4 5 का मतलब उसका क्षेत्रफल 3 4/2 होगा, मतलब 6 होगा। देखिए इसमें आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो यहां पर जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, यानी कि जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है, वो बराबर होता है बेस प्लस, यानी कि एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर होता है, जिसको हम यहां पर ये लंब कहलाता है आपका, ये आपका आधार कहलाता है बेस, और ये आपका आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम कहते हैं इसे।
अब हर बार इस फॉर्मूले को यूज करने से बचने के लिए हमारे पास कुछ और वैल्यूज है, उसको हमें याद रखना है। ये सारे वैल्यूज याद रखना है, 3, 4, 5 और 5, 12, 13, 7, 24, 25 8 ठीक है 15, 17 और 12, 35 और 37। तो हमने देखा कि ये एक संख्या ऐसी है जिसको कि हम देखा जाए तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ये फॉलो करती है। जैसे कि हमने लिखा हुआ है 3, 4, 5, तो 3 अगर इसके जगह 3 डाल दिया जाए और इसके जगह 4 डाल दिया जाए तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो आखिरी वाली संख्या क्या है, 5 है। यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो ये 25 बराबर 25 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं 3, 4, 5 को। और एकमात्र ट्रिपलेट जो कि क्रमागत संख्याओं में है वो 3, 4, 5 ही है। अगली बात जो हमें पता है, छोटी सी बात, कि क्षेत्रफल जो होता है आधे गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। तो ये आधार इसका हो गया, ये ऊंचाई होगी, ऊंचाई को मान लेते हैं 3, तो आधार हो जाएगा 4, तो इसका जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए ये तीनों बात हो गई। अब यहां से आधार जो है वो हो गया 4, क्योंकि ये तो लंबाई हो गया एक तरफ, ऊंचाई जो होता है वो आपका लंब होता है। तो देखिए इसका जो एरिया हो जाएगा, आधे गुने आधार हो गया 4 और ऊंचाई हो गई उसकी 3, तो 2 से ये कटेगा 2 बार, यानी कि 2 गुने 3 हो गया 6। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमें पता है तो यहाँ पर पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये हीरोज फॉर्मूला है। अगर ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं और एस उसका अर्ध परिमाप है तो क्षेत्रफल हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए अगर हम ए बी सी मान लेते हैं, ये हमारा ए बी सी है ना, ये क्या है, ये तीनों हो गए हमारे भुजाएं ए बी और सी। तो अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 जो कि कितना आ गया, आप कहोगे 42 आ गया भाई ये तो, लेकिन हमें तो अर्ध परिमाप निकालना था, तो अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, इसको बटे में 2 करेंगे, मतलब अर्ध परिमाप कितना आ गया, 21 आ गया। अब हमें निकालना है एरिया, क्षेत्रफल बराबर एस है तो एस की जगह डाल देंगे 21 और फिर एस माइनस ए है तो 21 में से 13 घटाइए 8 आएगा, 21 में से 14 घटाइए 7 आ जाएगा और 21 में से 15 घटाइए 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये आपका 3 × 7 लिख सकते कि नहीं, इस 8 को तोड़ के लिख देते हैं 4 × 2 और इस 7 को ऐसे ही रखते हैं और ये आपका बन जाएगा 2 × 3। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए 3 यहां पर क्या क्या बाहर आ जाएगा, ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 7 और ये 7 बाहर आ जाएगा, 4 × 2 × 2 यानी 16 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि वर्गमूल 4 होता है। अब ये हो गया 21 × 4 मतलब कि 84 इसका एरिया हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा और एग्जाम में अगर तीनों के तीनों साइड्स दे दिए तो आसानी से आप कर लीजिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसका एरिया निकालने का, बट ये एक अच्छा तरीका है अगर 3 भुजाएं आपको दी गई है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर आ चुका है, त्रिभुज के ऊपर ही है लेकिन यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो वृत्त के व्यास से 6 सेंटीमीटर कम है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें एक दो बात पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 उसकी भुजा का स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है πr² यानी πd² / 4। अब यहां से यदि हम √3/4 मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो ए है भुजा है तो ये a² बराबर हमें दिया हुआ है 121√3, तो 121 से √3 कट जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं हर तरफ तो यहाँ 11 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा a/2, मतलब a उसकी भुजा कितनी आ गई, 22 आ गई। अब इसकी भुजा क्या है भाई, 22 है और इसकी 22 भुजा जो है ये बताया गया है कि किसी व्यास के वृत्त के व्यास से 6 सेंटीमीटर कम है। तो अगर एक वृत्त है इसका व्यास मान लेते हैं कैपिटल डी, डायमीटर व्यास हो गया, तो डी में से 6 घटाइएगा तो आ जाएगा, तो डी बराबर हो गया 22 + 6 मतलब कि 28 हो गया इसका व्यास। तो अब हम यहां पर व्यास भी निकाल चुके हैं, तो अब हमें एरिया निकालने में कोई भी
परेशानी नहीं होगी। अगर हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मतलब 22/7। और सबसे पहली बात तो अगर व्यास इसका इतना है तो रेडियस मतलब उसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो जाएगी 28/2 जो कि हो गई 14। मतलब यहां आप लिख सकते हैं 14×14 सात से कटेगा ये दो बार, 2×2 आपका ये हो जाएगा 22 हो जाएगा 44, 44×14 4×14 56 होता है 5, फिर 56 में 5 जोड़ोगे तो 61 आ जाएगा, 616 जो है इसका एरिया हो गया वृत्त का। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा, त्रिज्या निकल गया तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है और आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किसी वृत्त के पहिए का त्रिज्या जो है वो आपको 1.75 मीटर दिया हुआ है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर काटने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक अगर चक्का है इस तरह से, अगर इस चक्के को के इस पॉइंट को फिर से वापस एक बार धरती पर घुमा कर लाना है तो देखिए, अगर ये एक चक्कर ऐसा घूम के काटेगा तो यहां से ऐसा घूमते घूमते एक चक्कर ऐसा आ जाएगा कि एक पॉइंट पे ये ए पॉइंट फिर से आ गया। तो इतनी जो दूरी होती है वो उसके परिमाप के बराबर होती है, तो हमें परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या परिधि का इसका फॉर्मूला होता है 2πr। एक चक्कर में जो दूरी ये चक्का तय करेगा वो हो जाएगा 2πr, यानी कि 2 इसका हो गया यहां पर 22/7 और त्रिज्या जो है 1.75 के जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर 7/4। ये हम कल के क्लास में देखे थे कि 7/4 कैसे आया। ठीक है, डीआई वाले क्लास में हमने भरपूर इसका इस्तेमाल करके देखा था, इसको 7/4 हम लिख सकते हैं। 7 से 7 कटेगा, 4 से काटोगे ये 2 बार और यहाँ पर 11 बच जाएगा। मतलब कि एक चक्कर में या 11 मीटर लिख सकते हैं ऐसे, 11 मीटर। ठीक है, अब हमें जो पूरी दूरी तय करनी है वो कितनी है, 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर का मतलब है 11,000 मीटर। अब एक बात समझ लीजिए कि 11 मीटर में इसने एक चक्कर काटे, तो 11,000 मीटर में कितने चक्कर काटेगा। यहां पर अगर ये 1,000 गुना हो रहा है तो यहां पर भी तो 1,000 गुना ही होगा, मतलब इसे 1,000 चक्कर काटने पड़ेंगे, 1,000 चक्कर काटने पड़ेंगे। बी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा भली भांति कि यहां 1,000 चक्कर कैसे निकल गया। ठीक, परिधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसका। यदि दो घन हैं, इन घन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 27:1, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या है, सीधा सीधा 3:1 होगा, क्योंकि जो घन होते हैं उसके आयतन जो होते हैं भुजा का घन होता है। तो अगर हमने लिखा है कि एक घन का अनुपात और V1 और V2 दिया हुआ है, तो इसका अगर भुजा A है तो A1³/A2³ हो जाएगा कितना, 27/1। और अगर हम यहां पर क्यूब रूट ले लेते हैं यानी कि घन मूल ले लेते हैं, तो यहां पर तो A1/A2 आएगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:1 हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं ये आप सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले हॉल में रखी जा सके। अब सपोज करिए आप किसी हॉल में बैठे होंगे या रूम में बैठे होंगे, उस रूम की अपनी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सबसे बड़ी छड़ जो उस रूम में आ सकती है वो क्या होगी। कहीं ना कहीं वो उसकी विकर्ण होती है, मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने में छत के तरफ जो ऑपोजिट में कोना होगा वहां से जो छड़ आएगी वही उस रूम में सबसे बड़ी छड़ होती है। तो विकर्ण का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि अंडर रूट डी अगर उसका विकर्ण है तो अंडर रूट L²+B²+H² होता है, जो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो अंडर रूट में देख लेते हैं, यहां पर 10 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ गया फिर, लंबाई 6 उसकी चौड़ाई 6 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम इसे जोड़ते ही हो जाएगा 100+36 और यहाँ पे 16, तो ये आपका बन जाएगा 152 और 152 बराबर होता है 4×38। तो ये 38 तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन 4 का 2 बाहर आके 2√38 बन जाएगा और उत्तर जो है सवाल का ए ऑप्शन है। ठीक है, 21 का ऑप्शन क्या है, ए। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आ चुका है 22वें नंबर का, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 352 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो परिवर्तन से पहले गोले का त्रिज्या क्या था, मतलब एक गोला हमें दिया हुआ है, ये एक गोला है, इसका रेडियस यदि क्या था, आर था, बाद में इसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया, R+2 कर दिया। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², इसका मतलब यहां से जब इसको 4πr² था तो 4πr² से बढ़ाकर हमने 4πr+2² कर दिए, तो यहां पर कितना बन गया, R+2² कर दिए, तो यहां कितना बढ़ गया, 352 बढ़ गया,
352 बढ़ गया। तो इसको जब घटाएंगे तो देखिए 4π और 4π तो कॉमन ही बाहर आ गया, अंदर बचेगा r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर है किसके, 352 के, 352 के। तो अगर इसको हम सॉल्व करते यहां 4π आ जाएगा, ये आपका बन गया r स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4r माइनस r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 352, 352 बन गया, ठीक है। अगर इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देते तो देखिए ये चार है, चार को काटेंगे तो इससे आ जाएगा 88 बार। अब ये पाई का मतलब है 22/7 और इसमें से चार को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एक बच जाएगा, और यहाँ पर ये बराबर है 88 के, तो 88 और 4×22 भी तो 88 होता है, दोनों कट जाएंगे, यानी आर प्लस एक बराबर 7 हो गया। तो आर कितना आ जाएगा, आपका जवाब होगा भाई 6 सेंटीमीटर, मतलब पहले जो था पहले 6 सेंटीमीटर था, बाद में 8 हो गया। तो परिवर्तन से पहले गोले का त्रिज्या निकालना था जो कि हमने आर लिया था, और आर का जवाब यहाँ पे कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर करके आ गया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शंकु पर आधारित ये सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक लंब वृत्तीय शंकु जो है इसका आयतन दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर और अर्धावर ऊंचाई उसकी जो है वो दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर है। तद अनुसार उसका वक्रीकर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो आयतन होता है शंकु का 1/3 πr², तो अगर मैं इस तरह से शंकु बना दूं यहां पर तो इसका जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है जिसका अपना एक त्रिज्या होता है और इसकी एक ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई h होती है, तो एक तिर्यक ऊंचाई होती है साइड वाला जिसको हम l से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर और ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए छोटी छोटी सी बातें हमें पता चल गई। अब यहां से हमें शंकु का वॉल्यूम दिया हुआ है कि नहीं, आयतन कितना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था, डाल देते हैं यहां आयतन की जगह पर, तो आ जाएगा 1232 बराबर है 1/3, पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं दिया ऊंचाई दी है तो आर स्क्वायर को ऐसे ही लिखते हैं और यहां पर 24 लिख देते हैं, ठीक है। अब 11 से यदि काटेंगे तो यहां 2 बचेगा, ये 11 से कटेगा एक बार, फिर 13 आ गया, फिर एक बार, फिर दो बार कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 56 बार जाएगा 56, 8 से इसको और इसको काटेंगे तो यहां 3 यहां पे 7 आ जाएगा, ये 3 से कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 7×7 यानी 7 का स्क्वायर, तो आर बराबर आ गया 7, आर बराबर आ गया 7, मतलब कि देखिए भाई ये आर बराबर हमें पता चल गया कि नहीं, 7, आर बराबर 7 पता चल गया, हाइट जो था एच बराबर 24 पता चल गया। तो अब ये है क्या, ये एक तरह से एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब समकोण त्रिभुज पढ़ रहे थे तो वहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए थे, उसमें 7, 24 और 25 जो होता है एक ट्रिपलेट होता है, मतलब इसका जो एल होगा यानी कि तिर्यक ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 25। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम भी हमने याद कराया था, उससे भी आप निकाल सकते हैं, ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय से हमें पता था ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग होता है, वहां से आप कर्ण निकाल लेंगे वो भी, और जो कर्ण है एल जो है वही उसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो हमने सारी चीजें तो निकाल ली, अब हमें जो निकालना था पाई आर एल, तो पाई का मतलब 22/7, रेडियस यानी कि त्रिज्या बराबर 7 और एल तिर्यक ऊंचाई मतलब 25, तो 7 और 7 कट जाएगा, 25×2 = 50 होता है, तो 50 और 50 = 550 बन जाएगा, ठीक है। उत्तर कितना आ गया, बी ऑप्शन, ठीक, आसान सी बात है, छोटी छोटी बातें, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्षेत्रमिति में, और सवाल तो आसान ही होता है। दो शंकु का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 2/3, 2:3 और उनके आधारों के त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 दिया हुआ है, 1:2, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात देना है। तो अभी तो हमने आयतन देखा ही था, तो अगर मान लेते हैं दो शंकु का आयतन V1/V2 है, तो पहले वाले का 1/3 होएगा पाई R1² और H1, दूसरे वाले का 1/3 पाई R2² आएगा और H2, 1/3 पाई तो कटना ही है। अब देखिए उनके आयतनों का अनुपात 2:3 है, तो यहां पर लिख लेते हैं 2:3। रेडियस का अनुपात हमें पता है, बिल्कुल पता है भाई, R1/R2 हमें पता हुआ है 1/2 है, तो 1/2 अगर ये है, तो अगर 1/2 R1/R2 है, तो क्या R1² / R2² नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते भाई, स्क्वायर कर दीजिए 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे R1/R2 का होल स्क्वायर की जगह 1/4 लिख दीजिए, गुणे में आ जाएगा आपका H1/H2, इस 4 को इधर भेजिएगा तो आ जाएगा H1/H2 बराबर 8/3,
तो अनुपात क्या हो गया, उनके ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछ रहा था जो कि है 8/3। ठीक है, आसान सा सवाल है, बस छोटी छोटी फॉर्मूला बता देना चाहिए और अनुपात के कुछ कॉन्सेप्ट हमें बता होना चाहिए। आगे बढ़ते, अब देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या क्या होगी हमें निकालनी। देखिए गोलार्ध की जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे आए ये मैं बताता हूं। देखिए अगर एक गोलार्ध है या पूरा एक गोला है, पूरा का पूरा गोला है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमने देखा ही हुआ था थोड़ी देर पहले जब सवाल देखे थे इसके ऊपर, जहां रेडियस 2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा था उसको हमने देखा था। अब देखिए इस गोले को हम बीच से काट देते हैं, तो बीच से काटोगे तो यहां पर एक नया गोला निकल जाता है इस तरह से ऊपर वाले भाग में, और नीचे वाले भाग में भी इस तरह से एक गोला आकार निकल जाता है। तो इसका और इसका मिलाकर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा निकल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए अगर ये गोला है हमारे पास पूरा गोला, ठीक है, इस गोले को ऐसे बीच से काटोगे तो ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में दोनों में बीच में जो है एक एक वृत्त निकल के आ जाएगा, एक एक वृत्त निकल के आ जाएगा, और उसी वृत्त के चलते यहां पर ऊपर नीचे में पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ गया। यानी अब इस पूरे के पूरे दोनों भागों का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो पूरे का कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं एक हिस्से की बात करूं, एक हिस्से की बात करूं तो यहां पर आधा हो जाएगा, ये 6/2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला यहां पर निकला हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, तो यहां पर देखिए 3 पाई आर स्क्वायर जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 27 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 3 काट देगा 27 को 9 बार, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, 3 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर है, बी ऑप्शन सही। आशा करता हूँ ये सवाल में इस फॉर्मूले में कैसे आया वो भी आपको समझ में आया होगा, और कैसे हमने सॉल्व किया आसानी से फॉर्मूला यूज करके वो भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और देखेंगे। तो धातु के 3 ठोस गोले हैं जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर इन्हें एक नए ठोस गोले में ढाला जाता है, तो नए गोले का व्यास क्या। देखिए कभी भी किसी धातु को पिघलाकर एक नया धातु बनाया जा रहा है तब वहां पे हम इसके आयतनों को बराबर करते हैं। तो अगर हम आयतन की बात कर रहे हैं, बात समझिएगा कि आयतन जो होता है गोले का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये आर जो होती है त्रिज्या, और त्रिज्या होती है व्यास का आधा। तो अगर यहां पर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर के गोले को पिघलाकर एक बड़ा और ठोस गोला तैयार किया जा रहा है, तो 6 सेंटीमीटर वाले व्यास का ये गोला हो गया, एक हो गया 8 सेंटीमीटर वाले व्यास का, एक हो गया 10 सेंटीमीटर वाले व्यास का। तो अगर इसकी त्रिज्याओं की बात करें तो 6 सेंटीमीटर व्यास का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर वाले का आधा 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, और 10 सेंटीमीटर का आधा 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। अब इसके आयतन प्लस इसके आयतन प्लस इसके आयतन बराबर एक बड़ा गोला और बन जाता है जिसका व्यास जो है वो हमें निकालना है, जिसका व्यास हमें निकालना है। ठीक है, नए गोले का व्यास हमें निकालना है। अगर व्यास d है तो आप जानते हैं कि इसकी त्रिज्या जो होगी वो तो आधा हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। तो अगर हम यहां से वॉल्यूम के फॉर्मूले में से 4 पाई को बाहर निकाल दें, क्योंकि देखिए 4 पाई/3 इसमें भी आएगा और इस 4 पाई/3 इसके भी वॉल्यूम में आएगा, इसके भी आयतन में आएगा और ये बड़े वाले के वॉल्यूम में भी आएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 4/3 पाई को कॉमन निकाल के लिख सकते हैं r क्यूब, मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर है 4/3 पाई। यहां पर अब त्रिज्या जो है वो है भाई d/2, त्रिज्या का क्यूब होता है तो d/2 का क्यूब लिख लेते हैं। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, ये आ जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125 बराबर है d/2 का होल क्यूब। अब ये इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर 91 आएगा और यहां पर एक जोड़ने पर 126 और 90 जोड़ने पर 216 बनेगा, मतलब ये जो कुल है ये बन गया आपका 216। 216 का यदि हम घनमूल निकालेंगे, यहां पर भी घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 6 बराबर d/2 और डायमीटर यानी व्यास बराबर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन जो है इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक, आशा करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। एक आखिरी सवाल और देखते हैं इस वीडियो का। किसी घनाभ की भुजाएं दी हुई है कि अनुपात में है 1:2:3 अनुपात में, इसके पृष्ठीय क्षेत्र का फुल क्षेत्रफल दिया हुआ है
88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका घनाभ का आयतन क्या है ये हमें निकालना है। देखिए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन हमें निकालना है, तो सबसे पहली बात तो घनाभ इस तरह से होता है, इसकी एक लंबाई होती है, इसकी एक चौड़ाई होती है और इसकी एक ऊंचाई भी होती है। अब हमें दिया हुआ है कि एल अनुपात इसके चौड़ाई अनुपात और ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 1:2:3। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL होता है, और इसका जो आयतन होता है वो LBH होता है, मतलब गुणा करना तीनों को। तो मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर x मान लेते हैं तो ब्रेथ हो जाएगा 2x और हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x, मतलब ये आपका x हो गया, ये 2x हो गया और ये आपका 3x हो गया ऊंचाई। तो अगर हम इस पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल की बराबर 88 के बराबर इसको कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 × LB का मतलब हो गया 2x² प्लस BH का मतलब हो गया भाई 6x² प्लस LH का मतलब हो गया भाई 3x². तो यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 6 हो गया आपका 8 + 3 हो गया 11, तो 2 × 11x² बराबर हो गया 88 और ये 22 होता है, 22 इससे कटेगा 4 बार, मतलब x स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो x बराबर कितना होगा 2 होगा। x बराबर 2 है मतलब इसकी लंबाई x थी, मतलब 2, चौड़ाई इसकी 4 थी और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6। तो हमें तो इसका आयतन निकालना था, आयतन बराबर बताइए कितना हो जाएगा, इसमें डाल देते हैं l बराबर 2 और उसका जो चौड़ाई है वो हो गया 4 और ऊंचाई जो है ये हो गया 6, तो 8 × 6 मतलब 48 cm³। सी ऑप्शन जो है इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गणितीय योग्यता के पार्ट 5 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पार्ट में हमने क्रमचय एवं संचय, प्रायिकता, क्षेत्रमिति 2D और क्षेत्रमिति 3D के बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिखे जो आपके एग्जाम में आने के भरपूर मात्रा में चांसेस भी रखते हैं। ठीक है, तो FTR 3.0 की जो सीरीज है वो जारी रहेगी। कल से आपका एक नया टॉपिक से स्टार्ट होगा जिसमें कि रीजनिंग आएगा। ठीक है, और आशा करता हूं कि ये जो 5 वीडियो है आपके प्रिपरेशन को एक नए स्तर पर जरूर ले जाएंगे और सीसेट में निश्चित ही आपका जो कट ऑफ है वो जरूर क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद, और आप FTR सीरीज और कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।